मेरे तो बेस्ट फ्रेंड, गाइड, सब कुछ पापा ही हैं। आपकी कोई फ्रेंड थी? फ्रेंड्स बहुत थी, बट आप जो सुनना चाह रहे शायद वो नहीं। टीचर की बातें सुनने के लिए रखो, माँ बाप की सुनो, बाकी सब भाड़ में जाए। बट पापा इज लाइक कि कोई नहीं लाया ना, अगले वाले में फोड़ देना। आपके कितने परसेंटाइल आए? मेरे 96.2 परसेंटाइल हैं। आपको कितने परसेंटाइल आए? 96.8। ना ज़्यादा तो नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई थी। अच्छा, तो उससे कम आए, सेटिस्फेक्शन नहीं है बट। अच्छा, सेटिस्फेक्शन नहीं, लेकिन ठीक है, ओके ओके। कितने परसेंटाइल आपके आए? सर 97.4 परसेंटाइल। अच्छा, अनअकैडमी में रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दे रहे थे और जो मेन टेस्ट दिए, क्या डिफरेंस लगा आपको? सर अप्रॉक्स मेरे 50 मार्क्स इम्प्रूव हुए थे। अच्छा, मेंस में जाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि पेपर बहुत इजी है ना बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, नंसर की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। अच्छा, वो जो पढ़ाने का तरीका, हाँ, वे जो है बहुत अच्छा आपको लगा? कभी मतलब लगा ही नहीं कि हम टीचर से पढ़ रहे हैं, ऐसा लगता था कि मतलब मेरे बड़े भैया हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं। अच्छा, अनअकैडमी के और भी स्टाफ मेंबर की बात करें, हो सकता है कभी आपके साथ कोई सिचुएशन आया हो, उसमें कभी अनअकैडमी की टीम आपको सपोर्ट की है कि नहीं? हाँ, टीम विशाल सर थे यहाँ पे। अच्छा, वो ऐसा मतलब जब भी मुझे लगता था कि बहुत डल फीलिंग आ रहा है तो वो गाइड करते थे, विशाल। अच्छा, सर, टंडन मैम। बट पापा इज लाइक कि कोई नहीं लाया ना, अगले वाले में फोड़ देना। पापा लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लोग बैकबोन होते हैं किसी आदमी के सक्सेस में। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टफ है। मेरी बहन है, सेम कोचिंग में पढ़ती है, मेरे को ऑनेस्ट ओपिनियन देती है वो। अच्छा, गंदा है, अच्छा अच्छा। इस बार भी मेरा 96.2 आया, बोला अच्छा नहीं है भैया। हेलो, नमस्कार बच्चों, जैसे कि आप लोग को पता है 2024 का जे मेंस फर्स्ट फेज का रिजल्ट आ गया और अनअकैडमी पटना सेंटर पर भी हम हैं और बच्चे ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं सारे बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे परसेंटाइल लेके आए हैं जे मेंस फर्स्ट फेज में। तो चलिए इन लोग से हम बात करते हैं। तो आपके कितने परसेंटाइल आए? मेरे 96.2 परसेंटाइल हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है आज? मतलब ओके फील हो रहा है अभी, लाइक मेरे एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, तो लाइक फैमिली का भी एक्सपेक्टेशंस हाई है, तो अच्छा जिस तरह का है लाइक इम्प्रूवमेंट करते रहना है। और अप्रैल अटेम्प्ट में, और भी अच्छा करना है। हाँ, अप्रैल अटेम्प्ट में लाइक जेन्युइन अगर पूछा जाए तो अप्रैल अटेम्प्ट मेरा मेन फोकस है अब। अच्छा, अप्रैल अटेम्प्ट पे मेरा आपका मेन फोकस है, जो अभी 96 आया है उसको 99 पे ले जाना। या अनअकैडमी का कितना साथ रहा आप लोगों के साथ? अनअकैडमी में लाइक जो टीचर्स थे, खासकर अनंत सर हो गए, राहुल सर हो गए, जो हमको पढ़ाए, अनंत सर, राहुल सर, एक पीरियड तक बी आर पटेल सर, अच्छा, तो वो लोग जो पढ़ाए थे लाइक थिंकिंग कहाँ पे क्या गाइडेंस चाहिए। अनंत सर का खासकर लाइक मेरे हिसाब से आई थिंक बेस्ट केमिस्ट्री टीचर हैं ऑर्गेनिक के मामले में, तो आई थिंक मेरे को उनसे बेहतर, मतलब किसी मतलब बच्चे को अगर कुछ भी नहीं आता तो उसको भी ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे। अच्छा, इस तरह के टीचर हैं, तो कुछ नहीं आता उसको भी ऑर्गेनिक पढ़ा देंगे। हाँ, ऐसा क्या करते सर, कोई कौन सा जादू करते सर? जादू नहीं है बट समझाने का तरीका बहुत सिंपल है। अच्छा, मतलब चलती फिरती इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा आज? अच्छा ही लग रहा है। सही लग रहा है। तो क्या लग रहा था आज? आप लोग देखे रोड शो में आ रहे थे एकदम नेता की तरह, आज एक लीडर वाला भी फील आ रहा होगा, तो क्या कहेंगे इस मौके पर आप? अच्छा है, मतलब ये एजुकेशन को प्रमोट करना अच्छा है और सबसे तो बेटर है। अच्छा, आपका जो आज जो आप जो अचीव किए हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? सबसे बड़ा योगदान टीचर सबका है, पेरेंट्स का है, और अच्छा, जो मेरा मेहनत होते हुए आपकी मेहनत, टीचर, पेरेंट्स सबका योगदान है। कितने परसेंटाइल आपके आए? मेरे 98.2। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट आपका था? मेरे 30 जनवरी शिफ्ट 2। अच्छा, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, सेकेंड अटेम्प्ट था 12 के बाद? 12 के बाद। अच्छा, 12 के बाद पेयरिंग नहीं, ड्रॉपर। अच्छा, एक बार 12 सेकेंड अटेम्प्ट था ये? हाँ वही। आपको कैसा लग रहा? हाँ, मेरा तो काफ़ी मिक्स फीलिंग है, आई मीन टेक्निकली इट्स नॉट जस्ट हैप्पीनेस, इट्स समथिंग मोर। मेरा थोड़ा पास्ट अगर मैं बताऊँ तो आई हैवंट बीन दैट अकेडमिकली गुड। क्लास 10th में आई हैव बीन अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, 12th में भी ओके। लास्ट ईयर आई स्कोर्ड 77 परसेंटाइल, एंड 77 से 97.2 का मेरा जो जर्नी था, आई फील लाइक दैट्स मोर ऑफ अ थिंग दैट आई रिमेंबर फॉर माई लाइफ। एंड या द रीज़न जो कि आई से कि ये परसेंटाइल आई है, सबसे ज़्यादा भगवान, एंड उसके बाद गुरु, एंड देन मम्मी पापा।
ओके तो एज अ ड्रॉपर हमारे ऊपर एक सोशल प्रेशर रहता है कि आपने एक साल का ड्रॉप लिया तो कुछ करो. तो फॉर मी दोनों था, पहले मेंस करो, मेंस सिक्योर करो एंड देन एडवांस की तरफ. आई फील लाइक हाँ ठीक है सिक्योर हो गया है, देयर डेफिनेटली अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, बट आई फील लाइक इट्स अ लॉट एंड अच्छा एनआईटी मिल जाएगा. अच्छा तो दैट्स अ बेस एंड नाउ आई हैव टू फोकस ऑन द एडवांस. आई फील दैट. अच्छा अभी बहुत सारे आपको देख रहे होंगे क्योंकि एक हीरो होता है, यदि कोई टॉपर होता है ना, जो स्टूडेंट है, जो 14 लाख बच्चे हैं जो अगले साल अपीयर होंगे, उनके लिए आप हीरो हैं, तो आप उनको क्या सजेशन देंगे? यही कि सेल्फ बिलीव करो और रेलेवेंट चीज़ें पढ़ो. अच्छा। साल भर आप कितना पढ़ते हो उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एग्ज़ाम से एक महीने पहले कितना और क्या पढ़ते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलिए एक क्वेश्चन तो बनता है क्योंकि आप अनएकेडमी से पढ़े हैं, तो अनएकेडमी का कितना योगदान है आप के सिलेक्शन में? आज जो परसेंटाइल आप एक रैंक आने में जितना स्टूडेंट के अलावा अदर फैक्टर्स का होता है, अगर हम बोलें कि 80% बच्चे की मेहनत एंड 20% कोचिंग एंड टीचर्स, तो आई फील लाइक कि अनअकैडमी उस 20 में से 20 डेफिनेटली 20 में 20 पटना सेंटर का योगदान है. डेफिनेटली. अच्छा अगर टीचर की बारे में हम बात करें, जो आपको टीचर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते थे, उनका कैसा बिहेवियर था आपके साथ? टीचर्स एज आई सेड कि मेरी रैंक आने में भगवान एंड गुरु सेकंड नंबर पे आते, तो ऑब्वियस बात है कि लाइक संदीप सर फॉर केमिस्ट्री, मीना सर फॉर फिजिक्स एंड चंदन सर फॉर मैथ्स, मेरे तीनों इन टीचर्स ने लाइक मेरे जैसे स्टूडेंट को बिलो एवरेज को उठा के वहाँ पे रखा, तो आई गिव देम द रियल क्रेडिट. ग्रेट. अब बिलो से एवरेज बनाने में सर का बहुत योगदान रहा है. हम कह सकते हैं यहाँ के टीचर जो बेस्ट है. डेफिनेटली. और यहाँ का जो एनवायरनमेंट डेफिनेटली इट्स गुड, सब बेस्ट है. बिल्कुल. अरे एक बच्चा यहाँ तैयारी करने आता है तो उनको सारा चीज मिलने वाला है, अगर वो खुद से ऑनेस्ट है तो. हाँ बिल्कुल. पहले सबसे पहले आपको बधाई, कैसा लग रहा है आज? ठीक लग रहा है सर. ठीक लग रहा है. आपको कितने परसेंट आए? 96.8. तो क्या बताना चाहेंगे आपके जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका इस बार किसी भी वजह से नहीं हो पाया, कम परसेंटाइल आया, उनको आप क्या कहेंगे? अप्रैल अटेम्प्ट है, आराम से PYQ बनाए, हो जाएगा. अच्छा PYQ बनाए. और भी जो आप फेस किए होंगे जब आप तैयारी कर रहे होंगे, तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज उस टाइम लग रहा था, और किस ऐसा भी मोमेंट कभी कभी आया होगा जब लग रहा होगा हमसे नहीं होगा, ऐसा भी मोमेंट आपके साथ आया था, और उस टाइम अपने आप को आप बैकअप कैसे लिए थे बताइए? सर हम अपने टीचर्स से बात किए, थोड़ा सा कम नंबर आता था टेस्ट में तो फिर अच्छा. सर बताते थे तो फिर वो करते थे घर में जाके. अच्छा जब टेस्ट में कम नंबर आता था तब लगता था कि हमसे होगा कि नहीं होगा. हाँ. अच्छा तो उस टाइम सर से बात किए. हाँ. और आपके सक्सेस में जो आपने आज अचीव किया उसमें टीचर का कितना रोल है? बहुत सर. अच्छा बहुत ज़्यादा. तो आप जो तैयारी करते थे सेल्फ स्टडी कितना करते थे? कोचिंग से जाने के बाद 8 घंटा पढ़ते थे खुद. अच्छा 8 घंटा पढ़ते थे. हाँ. अपने घर पे. हाँ. एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है जो अगले साल जे मेन्स का एग्जाम देगा, तो उनको आप क्या बताएंगे कितना देर सेल्फ स्टडी करना चाहिए? 8-9 घंटा सही रहता है सर. अच्छा उससे हो जाएगा. आप अपने प्रिपरेशन के लिए कोई यूनिक चीज़ अप्लाई किए थे? नहीं कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं, जो सब करता है PYQ बुक बनाते थे, क्लास का होमवर्क मॉड्यूल और सब करते थे. सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई. आपका नाम क्या हुआ? ऋचा सिंह. अच्छा कैसा लग रहा आज? उतना ज़्यादा तो नहीं, मतलब एक्सपेक्टेशंस थोड़ी हाई थी. अच्छा तो उससे कम आई है, सेटिस्फेक्शन नहीं है बट. अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं लेकिन ठीक है. ओके ओके. कितने परसेंटाइल आपके आए? सर 97.4%. अच्छा ये कौन सा आइटम था आपका? सर सेकेंड अटैम्प्ट जस्ट ड्रॉपर. हाँ फर्स्ट ड्रॉपर. अच्छा फर्स्ट ड्रॉपर थे. तो फर्स्ट और सेकंड में आपको जो तैयारी किए थे, फर्स्ट में भी तैयारी होंगे, सेकंड ड्रॉप लेते हैं, क्या मेजर डिफरेंस लगा उस टाइम? आपके कौन सा स्ट्रेटजी अप्लाई करते थे? मैंने 12th के साथ दिया था. अच्छा तो उस टाइम मुझे उतना अच्छे से पता भी नहीं था कि जेई. अच्छा. क्या होता है या फिर कुछ भी, ऐसा ही बस खेलते कूदते में गई थी एग्जाम. अच्छा. लेके चली आई थी. बाद में जब मतलब रिजल्ट आया तो धीरे धीरे यूट्यूब पे सर्च कर किया. अच्छा. तो पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा है. अच्छा फिर पता नहीं क्या इनर फीलिंग आई थी कि कर. अच्छा. देना है इस बार. फर्स्ट अटेम्प्ट जो था आपका स्कूल के साथ था क्या? हाँ. अच्छा सेकंड अटेम्प्ट में आपने कोचिंग ज्वाइन किया अनअकैडमी पटना. तो अनअकैडमी पटना का जो इन्वायरमेंट था यहाँ पे, जो यहाँ पे जो टीचर आपको मिले कैसे थे? टीचर्स आर द बेस्ट. एनवायरमेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब ऐसा आपको डाउट के लिए कभी मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप इस टाइम आए डाउट के टीचर नहीं है या फिर समथिंग लाइक दैट. अच्छा फैमिली का भी अच्छा सपोर्ट मिला. तो अच्छा फैमिली का भी अच्छे सपोर्ट मिला. तो देखिए अभी होता क्या है, अब आपके साथ ये सिचुएशन है कि नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन अभी जो बच्चे आते हैं ये टेंडर एज में जो होते हैं थोड़ा सा रिलेशनशिप में भटक जाते हैं अदर जेंडर में. क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं. अच्छा तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे क्योंकि आप एक अभी ये उम्र का करियर का है
करियर को प्रेफरेंस दे दो, बाद में मतलब देखा जाएगा फिर। अच्छा, बाद में देखा जाएगा, अभी अभी करियर पर ध्यान दे दो, बाद में तो होता ही रहेगा। हाँ, वो सब। अच्छा, आप कितना देर सेल्फ स्टडी करते थे? जस्ट कोई फिक्स नहीं था, बट फिर भी 6 to 7 hours तो मतलब मिनिमम। आप जो अनअकैडमी में रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दे रहे थे और जो मेन टेस्ट दिए, क्या डिफरेंस लगा आपको? सर अप्रॉक्स मेरे 50 मार्क्स इम्प्रूव हुए थे। अच्छा जी। अच्छा, जो रेगुलर टेस्ट दे रहे थे उसके बाद मेन टेस्ट में जो आपका मार्क्स आया, मतलब धीरे धीरे करते करते, मतलब जस्ट मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था अनअकैडमी दिसंबर में, तो अप्रॉक्स मेरे 50 मार्क्स बढ़े हैं। अच्छा, अनअकैडमी का जो आप लास्ट टेस्ट दिए थे उसके बाद मेन टेस्ट दिए थे, तो उसमें कितने मार्क्स से डिफरेंस थे? अप्रॉक्स सेम लास्ट टेस्ट और मेंस का। अच्छा, टेस्ट का कैसा पैटर्न लगा यहाँ का आपको? टेस्ट भी मेंस लेवल का था सर, मतलब एकदम से लगा, मेंस में जाने के बाद ऐसा नहीं लगा कि पेपर बहुत इजी है ना बहुत डिफिकल्ट है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, आप बच्चे को ये कह सकते हैं कि अनअकैडमी का टेस्ट भी जो होता उसी लेवल का होता है? जी, मतलब अच्छा, जिस टाइप का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसी लेवल का आपको देंगे। अच्छा, आपके सफलता में आज जो आप अचीव किए हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका लग रहा है आपको? सबसे बड़ा मतलब फैमिली और यहाँ अनअकैडमी में टीचर्स। अच्छा, चलिए जब आप टीचर की बात कर ही दिए तो आप अपने फेवरेट टीचर का नाम बता दीजिए। फेवरेट टीचर मतलब टीचर्स तो हर सब है, बट फिर भी अनंत सर इज़ द बेस्ट। अच्छा, अनंत सर की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। अच्छा, वो जो पढ़ाने का तरीका वे जो है बहुत अच्छा आपको लगा? कभी मतलब लगा ही नहीं कि हम टीचर से पढ़ रहे, ऐसा लगता था कि मतलब मेरे बड़े भैया हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा माहौल था। फिर राहुल सर भी मैथ्स के लिए बेस्ट टीचर थे। अच्छा, अनअकैडमी के और भी स्टाफ मेंबर की बात करें, हो सकता है कभी आपके साथ कोई सिचुएशन आया हो उसमें, कभी अनअकैडमी की टीम आपको सपोर्ट की है कि नहीं? हाँ, टीम जस्ट विशाल सर थे यहाँ पे। अच्छा, वो एज अ मतलब जब भी मुझे लगता था कि बहुत डल फीलिंग आ रहा है तो वो गाइड करते थे, विशाल सर, टंडन मैम। अच्छा, तो अनअकैडमी कोई भी ऐसा मोमेंट हो आपके कोचिंग से रिलेटेड या घर से रिलेटेड जो शेयर करने चाहे, जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो, जो किसी बच्चे को वो हेल्प हो सके उससे? मतलब जर्नी में बहुत टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि अब नहीं होगा, अब गिव अप कर देते हैं, बट उस टाइम बस अपने आप को संभाल लेना। अच्छा, अप एंड डाउन होगा, लेकिन उस टाइम अपने आप को संभाल लेना, बोलना कि ये लास्ट है, इस बार कर दो, फिर अगले बार कोई नहीं आएगा। मतलब ऐसा करने से आपको प्रॉब्लम फेस करने लायक हो जाओगे। अच्छा, फिर आगे ये कह सकते हैं कि हिम्मत नहीं हारना है, अप एंड डाउन होगा ही, लेकिन उस टाइम अपने आप को मोटिवेट रखना। अच्छा, जब आपके साथ अप एंड डाउन होता था उस टाइम आप किससे बात करते थे, कहाँ से आपको मोटिवेशन मिलता था? मेरी बहन। अच्छा, आपकी बहन क्या करती है? कुछ नहीं सर, हाउसवाइफ है, जस्ट उनकी शादी हो गई है। अच्छा, बट फिर भी वो मोटिवेट आपको करते थे, बहन इस बार हो जाएगा, तुम करो अच्छे से, कभी होप मत छोड़ो, बस करते रहो, भगवान पे विश्वास रखो, करो। चलिए, आप भी अपने लाइफ का वो मोमेंट बताइए जब अप एंड डाउन आप फील कर रहे थे, जब लग रहा था हम छोड़ देंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, उस टाइम कैसे आप फिर अपने आप को तैयार किए और उस टाइम आप किससे बात करते थे? नहीं, एज सच मैं किसी से बात नहीं करता था, सिंगल चाइल्ड हूँ, डेफिनेटली आई डिडंट हैव दैट सिबलिंग वाला ऑप्शन। अच्छा, बट हाँ, जब भी ये लगा कि हाँ नहीं हो सकता है तो बस आई यूज्ड टू रिमेंबर कि क्यों ये सब शुरू किया था। Okay. क्योंकि ऑब्वियस बात है, सोशल रीजंस और अपने रीजंस होते हैं हर किसी के, एक प्रिपरेशन में अपने आप को इंडल्ज करने के। अच्छा, तो आई फील अगर आपको ये याद है कि क्यों स्टार्ट किया था तो ठीक है ना, वो इट्स लाइक कभी भी आप शुरू कर सकते हो उसे। टीनेजर होते हैं ये हम लोग, आप लोग जो होते हैं इसमें अदर जेंडर में अट्रैक्शन होता है, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था? हाँ, डेफिनेटली होता है, हर किसी के नेचुरल चीज़ है, बट आई फील लाइक 2 सालों के बाद इस मैच्योरिटी लेवल पे आना मेरे लिए तो पॉसिबल था। अच्छा, कि आपको लाइफ में हर टाइम पे प्रायोरिटाइज करना सीखना चाहिए। अच्छा, कि आपकी प्रायोरिटी क्या है उस टाइम। आपकी कोई फ्रेंड थी? फ्रेंड्स बहुत थी, बट आप जो सुनना चाह रहे शायद वो नहीं थी। अच्छा, वो नहीं थी, फ्रेंड्स बहुत। अच्छा, फ्रेंड्स का कितना योगदान रहा? फ्रेंड्स का एक्चुअली आई फील लाइक कि बहुत, क्योंकि अगेन कोई भाई बहन है नहीं मेरा, बट हाँ डेफिनेटली मेरे दोस्त थे, मेरे भाई हैं। तो मेरे पेरेंट्स को मतलब भरोसा था कि मतलब कुछ तो सोचा है, ड्रॉप लिया तो कुछ तो करेगा ही। अच्छा, कुछ तो करेगा, भरोसा था। आपके साथ क्या था? मेरे तो बेस्ट फ्रेंड, गाइड, सब कुछ पापा ही हैं। अच्छा। लाइक अभी हाल फिलहाल में ही रिजल्ट आया था ना, जब 96% आया। अच्छा। तो बहुत लोग बोल रहा था कि इट्स नॉट गुड, रैंक अच्छी नहीं आएगी, कॉलेज नहीं मिलेगा, बट पापा इज लाइक कि कोई नहीं, लाया ना, अगले वाले में फोड़ देना। बिल्कुल, अगले वाले में 99 लाना। सो
दो पर्सपेक्टिव होता है, एक होता है कि नॉन रिलेटिव पर्सपेक्टिव जो कि ये बोलेंगे कि हाँ भाई हर चीज़ में कमी निकाल लें, एक पर्सपेक्टिव होता है मोटिवेट करने वाला, तो वो मेरे पापा हैं मेरे लिए। लाइक पापा लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो लोग बैकबोन होते हैं किसी आदमी के सक्सेस में। बिल्कुल, उनका बात नहीं किया जाता है, बट मेरे फादर ऐसे हैं कि मतलब एक सिचुएशन हमको याद है कि मतलब जब डांटने की ज़रूरत होती है डांट भी देते हैं। कि ये सिचुएशन याद है कि उनको किसी का कॉल आया था, उनके कोई रिलेटिव थे। अच्छा, तो कॉल आया रात में, तो मेरे पापा वहीं मोस्टली क्या होता है इंडियन पेरेंट्स क्या करते हैं, अंडर प्ले करते हैं। बिल्कुल, कि अपने बच्चे को कि नहीं 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 पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बिल्कुल, तो उनके रिलेटिव बोले कि अरे क्या ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बनेगा इंजीनियर, सबको इंजीनियर थोड़ी बनता है। सो पापा, हाँ सबको, पापा को लग गया, कि पापा को भी लगा मतलब, तो कि भाई बोले कि अब तो जो होगा देखा जाएगा। और हम फाइटर हैं। बिल्कुल, मेरा सिंपल सा मानना है, मेरे को 96.2 आए, 98 आए, हर बार बेटर करना है। सिंपल सी बात है, फाइटर बन के रहना है, जहाँ जाना है लाइफ में फोड़ना। टीचर की बातें सुनने के लिए रखो, माँ बाप की सुनो, बाकी सब भाड़ में जाए। बिल्कुल, लिटरल सी बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टफ है, ऑलरेडी टफ है, काहे उधर दिमाग लगा रहे हो यार। बोलने दो ना, तो बोलते रहेंगे भाई। तुम 5 साल बाद जब 20-25 लाख की पैकेज लेके निकलोगे या कमा रहे होगे, कोई पूछने नहीं आएगा तुमने क्या किया था? कोई नहीं पूछने आएगा कहाँ से पढ़े हो, कहाँ क्या किए। वो तुम्हारा देखेंगे अच्छा लाइफस्टाइल जी रहा है, अपने अपने बेटे को बोलेंगे कि देख वो क्या कर रहा है। वो क्या, तो अपने काम पे फोकस करो। कॉलेज होती है नहीं होती है, अपना पाथ क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है मेरे को। मेरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने फ्यूचर में क्या करना है। बिल्कुल, क्योंकि मोस्टली लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि करना क्या है। ये परसेंटाइल नहीं, रिश्तेदार तो अच्छे होंगे तब भी बोलेंगे, बुरे हो रहे हैं तब भी बोलेंगे। उनका काम है बोलना, उनका काम है बोलना। देखिए रिश्तेदार इज लाइक कि वो सास नहीं होती है, बहू को बोलते रहती है कि हाँ भाई करते रहो। तो उनके बातों को ज़्यादा बात नहीं मानना है। मम्मी पापा इज़ मोर देन एनफ। मम्मी पापा का बात सुनो यार, वो लोग अपने मन के, मतलब वो लोग लाइक सिंपल सी बात है, मम्मी पापा किस लिए बोलते हैं? आपके लिए ही बोलते हैं, उनका खुद का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है। मेरी बहन है, सेम कोचिंग में पढ़ती है, मेरे को ऑनेस्ट ओपिनियन देती है वो। अच्छा, गंदा है, गंदा है, अच्छा अच्छा। इस बार भी मेरा 96.2 आया, बोला अच्छा नहीं है भैया। अच्छा, थोड़ा सा और अचीव करो। 99 चाहिए, 99 चाहिए, IIT चाहिए, एडवांस चाहिए, ये चाहिए। तो उसको वो डिमांड करती है, क्योंकि उसके लिए मेरे को एग्जांपल सेट करना है। बिल्कुल, आज ये लोग बैठे हुए किन्हीं के कजन्स होंगे। बिल्कुल 100%, उनके लिए इनको एग्जांपल सेट करना है। बिल्कुल, आपको फर्स्ट बनना पड़ेगा, बोलेंगे ही कि हाँ। इसीलिए मैम अभी मैं चारों के लिए बोल रहा हूँ, पांचों के लिए, जितने बच्चे बैठे हैं और भी जो नहीं भी आए हैं, कोई सेटिस्फाइड नहीं है रिजल्ट से। बिल्कुल, कोई नहीं सेटिस्फाइड है रिजल्ट से, क्योंकि सबको IIT का और अच्छा करना है। बिल्कुल, इतने पे खुश होने वाली बात नहीं है। हम एक चीज जब सुन रहे थे, आप जब बता रहे थे, आपके पेरेंट्स बहुत योगदान था, वो दुनिया का नहीं सुनते थे, उनको सुना देते थे। और जो इस तरह के पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को सुनाते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? वो पड़ोसी के बात सुनने पर अपने बच्चे को आगे कुछ बोल देते हैं। एक बात जान लो, पेरेंट्स लोग ना 50-50 वाले होते हैं, वो तुमको साइड से मोटिवेट करेंगे और उधर से सुना देंगे। अच्छी बातें लो यार, बुरी बात, इतना सारा बुरा बात रखा हुआ है भाई, अच्छा बात लो, आगे जाके फोड़ो यार एग्जाम में। लाइफ में फोड़ने के लिए बहुत कुछ है यार। सब रुक जाए, जिस दिन आप फोड़ दोगे ना, आप जो अचीव कर लोगे ना, सब चुप हो जाएंगे। बस वही करना है और कुछ नहीं। लाइफ मस्त है, एक लाइफ मिला है, अच्छे से खुल के जियो। और अपने मर्जी का करो, गलत नहीं करो किसी के साथ, बट अपने मर्जी का करो, और जो पढ़ना है वो पढ़ो यार। चलिए आप लोग एक एक लाइन में, एक एक वर्ड में क्या कहना चाहेंगे आप अपने जूनियर को, बोलते चलिए वन बाय वन करके। जूनियर्स को इतना ही बोलेंगे कि लाइक एक चीज़ जो हमको, मेरे को ट्रबल हुआ था पूरे जर्नी में, मेरे घर पे बुक्स का जत्था है, लाइक बहुत सारी बुक्स है मेरे पास। अच्छा, ठीक है, ये दैट वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक, मेरे लिए सबसे बड़ी मिस्टेक थी वो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक ले लें और उसके 10 साल के पेपर को बनाएं, 15 साल के पेपर को बनाएं। इट्स लाइक कि वो इज़ मोर देन एनफ, बिकॉज JEE के पास अब क्वेश्चन नहीं बचे हैं, वो नया क्वेश्चन को इन्वेंट नहीं कर देंगे। फार्मूला F=ma ही होता है भाई, नया न्यूटन्स लॉ नहीं आने वाला है, तीन ही है। बिल्कुल, तो वो उसका यूज़ करें और देन मोर देन एनफ, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में टेम्परामेंट। इट्स लाइक कि आप कितना भी प्रैक्टिस कर लें, इट्स लाइक कि मैच में आपको विराट कोहली बनना पड़ेगा। तो ये कह सकते हैं रिसोर्सेज को मिनिमाइज करें और उसको मैक्स और आउटपुट मैक्सिमाइज करें।
रिसोर्सेज मिनिमाइज करें। आप अच्छा एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेते हैं, इस टाइम में रिलेशनशिप का कितना इंपॉर्टेंट, रिलेशनशिप होना चाहिए या नहीं? भैया देखिए मेरी बात सिंपल है, हमारी मम्मी सीधे सीधे बोलती है इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, तो हम मम्मी का ही बात मानते हैं, इस सब चीज़ में फालतूगिरी हम नहीं जानते हैं। वो भाई ये सब चीज़ में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार सक्सेस पालो फिर तो होता रहेगा, जो सब कुछ लाइफ का पार्ट है। हाँ, सब लाइफ का पार्ट। आप लोग बताइए एक एक लाइन में एक एक वर्ड में क्या अपने जूनियर्स को बताना चाहेंगे? मोस्टली मतलब PYQ बनाना है, अगर जेईई मेंस करना है तो PYQ, बस PYQ बनाना है। चलिए आप क्या बोलना चाहेंगे? आई फील प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से क्वालिटी को हमेशा क्वांटिटी से ऊपर। ओके, ये मैटर नहीं करता आप 25 साल के PYQ बनाओ 4 साल के, अच्छा, बट ऐसे बनाओ कि हर क्वेश्चन के पीछे का लॉजिक आपको बताओ। ये नहीं कि बस फॉर्मूला पुट कर रहे हैं आंसर निकाल रहे, ठीक है मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में वो करना होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि क्यों वो हो रहा है, दैट्स द इंपॉर्टेंट। ओके, आप क्या बताना चाहेंगे? सर कि PYQ ज़्यादा जरूरी होता है, PYQ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, सबका एक कॉमन मुझे जो लग रहा है PYQ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए आप क्या बोल बताना चाहेंगे? लास्ट टाइम रिविजन इज द की टू सक्सेस एंड जितना ज़्यादा हो सके PYQ करो। अच्छा आप लड़की है, आप लड़की है आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको भी कोई ताना सुनने के लिए मिला था आस पड़ोस से, रिश्तेदार से, कजन से? ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मेरे फैमिली में हमेशा सब लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना है, मतलब ऐसा हम लोग हैं अपने कज़न, मतलब ऐसा मेरे चाचा के बच्चे, टोटल 5 भाई बहन हैं, तो एक भाई है 4 बहन है, अच्छा। चारों बहन आगे हैं, मतलब मेरे फैमिली में चारों को पहले पढ़ाना है, बाद में अपना भाई देखते रहेगा उसको जो करना है अपना करे, लेकिन बहनों को पहले पढ़ाना है। ओके, उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज दो अपने बेटी को बाहर भेजना नहीं चाहते, डरते? जो है सो अभी लगा दो, ऐसा नहीं कि शादी के लिए संजोग के रखो या वो खुद कर लेगी शादी। हाँ, अपना वो खुद कर लेगी, हो जाएगा। ओके ग्रेट, आप लोगों को फिर से एक बार धन्यवाद, अच्छा लगा आप लोग से बात करके। अभी आप जो देखे हमारे साथ जे मेन्स के टॉपर्स बच्चे थे जो अन अकेडमी पटना सेंटर से थे, इस बार आप भी अच्छे रिजल्ट लाए होंगे, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं आपके किसी भी कारण से इस बार नहीं हो पाया होगा, तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपने देखा मैंने बच्चे से बात किया तो वो लोग के लाइफ में भी ऐसा होता है। आप जो टॉपर्स देखते हैं वो भी कभी अप एंड डाउन अपने लाइफ में फेस किया तब तो आज वो टॉपर बना है, तो उस टाइम घबराना नहीं है, उस टाइम मोटिवेट अपने आप को फील करना, फिर से एक बार पुशअप मार के अपने आप को अच्छे कर देना जैसे ये लोग ने आज किया। तो ये कैसा वीडियो लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा प्रयास ये रहता है आप लोगों को कुछ इनपुट दे पाए, आज जिस तरह से आपको टॉपर के साथ मैंने इनपुट्स दिया कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। आपके भी अच्छे परसेंटाइल आए होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, आप भी हमारे सुकेश एकेडमी पे इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हमारे जो सक्सेस हुआ उस सक्सेस से किसी को फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपके साथ मैं ज़रूर इंटरव्यू करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, फिर मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ अन अकेडमी के लोगों के साथ, लेट्स क्रैक इट।